समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने गाय और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में ला खड़ा किया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रदेश के हर गांव में गाय माँ भूखी हैं और इसका पाप भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा। वहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी नेतृत्व को चुनौती देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ पढ़ा एक भी ऑफिसर आर्मी में हो तो बता दे हमें। नेताओं की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने लगे। अन्ना यादव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मौजूद रहे बीजेपी के सीनियर नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव हर मोर्चे पर असफल रहे हैं, चाहे वो परिवार को एकजुट रखना हो या फिर सरकार चलाना। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं। साथ ही अखिलेश ने अपर्णा पर तंज कसते हुए बोला कि वो बीजेपी में जाकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगी, यानी कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार करेंगी। तमाम और अपडेट्स के लिए, यूपी चुनाव से जुड़ी डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।